आपको यही प्रूव करना है। पहला प्रूव करना है कि एल पी एफ वन प्लस एफ टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल एल पी एफ वन प्लस एल पी एफ टू, और दूसरा आपको प्रूफ करना है यू पी एफ वन प्लस एफ टू है ना लेस देन आर इक्वल यू पी एफ वन प्लस का यू पी एफ टू, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे मैंने उस दिन समझाया भी था आप लोगों को कि करना क्या है आप लोगों को, आप जो है एफ वन फंक्शन है एफ टू फंक्शन है, ठीक है, और एक आपके पास जो प्रूफ कर जो है प्रूफ करना उसको ध्यान से देखें तो एक फंक्शन एफ वन प्लस एफ टू के रूप में भी डिफाइंड है दोनों का सम, ठीक है ना, एफ वन है एफ टू है और दूसरा आपका है कि एफ वन प्लस एफ टू करके है, ठीक है। अब हम पी कोई पार्टीशन है, तो पी कोई पार्टीशन है, जब पार्टीशन करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी का तो क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू करली ब्रैकेट में ए इक्वल टू एक्स नॉट कमा एक्स वन कमा एक्स टू कमा एक्स थ्री डॉट 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 एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी, ऐसे ही पार्टीशन करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जब ऐसा आप करेंगे तो उसी आप तब जब पार्टीशन होगा तो तमाम सेगमेंट बन जाएंगे, सब इंटरवल बन जाएंगे, सब इंटरवल बनेंगे तो आपका बनेगा पहला एक्स नॉट कमा एक्स वन दूसरा एक्स वन कमा एक्स टू ऐसे बनेगा। तो अगर मैं इन जनरल अगर कोई सब इंटरवल लेता हूँ तो क्या लेता हूँ एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर, तो आप आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर कोई सब इंटरवल आप ले लेंगे है ना इन जनरल, वहाँ पे आर इक्वल टू वन टू थ्री रखते जाएंगे तो सभी आपके सब इंटरवल आपको मिलते चले जाएंगे। क्लियर है? अब क्या ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एफ वन एफ टू है और एफ वन प्लस एफ टू है ना, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है तो मैं कोई क्लोज इंटर सब इंटरवल में ले लूँगा आई आर जो क्या होगा एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर होगा है ना, तो हम मान लेंगे कि उस सब इंटरवल में जो एफ वन है इसका जो इन्फीमम है वो आपका स्मॉल एम वन आर में कर सकता हूँ, डैश डबल डैश भी कर सकता हूँ, ऐसा मैं लिख दूँ स्मॉल एम वन आर ऐसे भी लिख सकता हूँ और एम डैश करके एम डबल डैश करके बस अंतर स्पष्ट करने के लिए, और उसी सब इंटरवल आई आर में इसका सुप्रीमम मैं मान लेता हूँ एम वन आर। क्लियर है ना? फिर इसी प्रकार से जो है एफ टू की बात करें तो यहाँ जाएगा आपका एम टू आर, यहाँ जाएगा कैपिटल एम टू, हम समझ रहे हैं आई आर जो आपका सब इंटरवल, देखिए हर सब इंटरवल में जिसमें फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा उस सब इंटरवल में हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही सुप्रीमम होगी, फंक्शन की उस इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही क्या होगी इन्फीमम, है ना, समझ में आ रही बात ना भाई। फंक्शन में आप क्या करना है जिस इंटरवल में डिफाइंड है उस इंटरवल से आप एक्स की वैल्यू उठा उठा के फंक्शन में आपको रखते जाना, जो भी फंक्शन दिया हो है ना रखते जाएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिलती जाएगी, जब फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी तो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही होगी आपका इन्फीमम, बड़ी वैल्यू फंक्शन क्या हो जाएगी सुप्रीमम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जब हम आई आर हमने एक सब इंटरवल ले लिया आई आर, तो आई आर कोई भी सब इंटरवल आप लेंगे तो आई आर में अगर एफ वन एफ टू की आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो मिलेगी आपको, तो जो मिनिमम वैल्यू है एफ वन की उस आई आर में मैंने उसको नाम दे दिया एम वन आर और वही आपका इन्फीमम होगा, और उसी सब इंटरवल में जो एफ वन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम वन आर है जो सुप्रीमम के नाम से है, और उसी सब इंटरवल में आप एफ टू की बात भी कर लेते हैं तो एफ टू भी अपना ही एफ टू दूसरा कोई फंक्शन है, तो एफ टू जब कोई दूसरा फंक्शन है तो ये भी मान लीजिए एफ वन एक्स एफ वन बराबर एक्स स्क्वायर हो एफ टू बराबर टू एक्स हो, तो ये भी अपना क्या होगा ये भी अब उस इंटरवल में एक मैक्सिमम वैल्यू रखेगा एक मिनिमम वैल्यू रखेगा है ना, तमाम वैल्यू मिलेंगे इसके लेकिन उसी में से एक मिनिमम होगा एक मैक्सिमम होगा, अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट आ तो दोनों सब सेम होंगे है ना, फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहा तो पक्का है कि एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा उसको फिर मैंने नाम दे दिया इन्फीमम एम टू आर और मैक्सिमम वैल्यू को मैंने सुप्रीमम कैपिटल एम टू आर दे दिया। अब जब एफ वन प्लस एफ टू करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा एक नया फंक्शन मिलेगा, अब उस फंक्शन का भी जब उस क्लोज इंटरवल में आप निकालेंगे है ना वैल्यू तो फिर आपको एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो हम इसके मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम आर और कैपिटल जिसके मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम आर मतलब इसके इन्फीमम को स्मॉल एम आर और सुप्रीमम को कैपिटल एम आर मैंने नाम दे दिया। क्लियर है? अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था एक बात ध्यान से दीजिएगा समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एफ वन एफ टू है और एफ वन प्लस एफ टू है, अब इसे अगर ये इन्फीमम है सुप्रीमम है तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो एम वन आर है ये लेस देन आर इक्वल होगा एफ वन एक्स लेस देन आर इक्वल होगा कैपिटल एम वन आर है ना, क्योंकि भाई फंक्शन जो है भाई फंक्शन की वैल्यू की इन्फीमम वैल्यू मैंने इसको ये बोल दिया है सुप्रीमम वैल्यू यह है, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इसी रेंज में लाई करेगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इन्फीमम, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी सुप्रीमम और रिमेनिंग वैल्यू उसी के बीच में होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से फंक्शन आपका एफ वन एक्स के केस में हो जाएगा। ठीक है, फिर एफ टू एक्स के केस की बात करें तो एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स
लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी मैं एफ वन एफ टू की बात करूँ तो यहाँ से एम वन आर जो है वो लेस आर इक्वल एफ वन एक्स है कि नहीं है, और एम टू आर जो है वो लेस आर इक्वल एफ टू एक्स है ना। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, दोनों क्या कर दूँ मैं ऐड कर दूँ, तो ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा एम वन आर प्लस का एम टू आर है ना लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया है ना एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक्स मतलब कुछ नहीं, वो तो फंक्शन का ही रिप्रेजेंट करता है, इस चक्कर में मत पड़िएगा कि नहीं सर एक्स कॉमन कर लिए ना, एफ वन एक्स लिखा मतलब एफ वन एक्स का फंक्शन है बस है ना, एफ टू एक्स लिखा मतलब एफ टू एक्स का फंक्शन है बस इतना ही है ना। तो अभी मैं सोचेगा यहाँ से मैंने एक्स कॉमन कर लिया, जब जोड़ा तो एक्स कॉमन करके सर ने एफ वन प्लस एफ टू, नहीं तो इसका मतलब जब एफ वन प्लस एफ टू करेंगे तो वो भी हमको एक्स का ही फंक्शन मिलेगा, बात समझ में आ रही है ना। ये दिमाग में कभी ना आए कि नहीं एक्स कॉमन, जब इनको जोड़ेंगे तो एक्स कॉमन कर लिए सर ना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी है ना। सीधी सीधी बात, एफ वन भी एक्स का फंक्शन है, एफ टू से एफ वन एक्स बराबर मैंने बोला एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन, एफ टू एक्स बराबर टू एक्स एक्स का फंक्शन, जब एफ वन प्लस एफ टू करेंगे तो वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वो भी एक्स का ही फंक्शन होगा। तो इस तरीके से लिखा गया है ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आपने देखा कि जो एम वन आर एम टू आर एम वन आर प्लस एम टू आर है ना, देखो ये इक्वल भी दे रहा है, इसका मतलब कि जो है ये फंक्शन की एक वैल्यू यह भी होगी, फंक्शन की एक वैल्यू यह भी होगी लेकिन छोटी वैल्यू है ना अगर देखा है तो, इसका मतलब कि फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इससे छोटी नहीं होगी, इन्हें कर रहा है इसका मतलब, तो इनको लोअर बाउंड बोलते हैं। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप एम वन आर प्लस एम टू आर को क्या बोलेंगे, चले जाओ पीछे जाओ, जितना पीछे बैठोगे उतना आराम रहेगा आपको ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एम वन आर प्लस एम टू आर इज द लोअर बाउंड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, एम वन आर प्लस एम टू आर क्या है, एफ वन प्लस एफ टू का लोअर बाउंड है। कैसा बाउंड है, लोअर, क्योंकि लेस देन आर इक्वल करके है ना, वो एम वन आर प्लस एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ वन प्लस एफ टू कामा एक्स है ना, मतलब कामा एक्स मत बोलिए, मतलब एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि एम वन आर प्लस एम टू आर क्या है, इसका लोअर बाउंड है। अगर यही मान लीजिए इधर होता है ना, मतलब कि यह एफ वन प्लस एफ टू अगर लेस देन आर इक्वल टू इसके होता तब यह आपका अपर बाउंड हो जाता, लोअर बाउंड अपर बाउंड समझ रहे हैं ना आप। ऐसे फंक्शन की जो छोटी वैल्यू जिसके से आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, इसे क्लोज मान लीजिए फंक्शन हमारा जो डिफाइंड है वो एफ एक्स बराबर एक्स ही है, और इस तरीके से यह आपका मान लीजिए क्लोज इंटरवल वन का मान टू है, तो मिनिमम वैल्यू वन मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी टू। तो वन ही नहीं, इसके बाद जितने भी आपके नंबर होंगे सब लोअर बाउंड के रूप में होंगे, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे सब लोअर बाउंड के रूप में होंगे, और इसके आगे जितने भी नंबर होंगे सब अपर बाउंड के रूप में होंगे, बात समझ में आ रही है। मतलब कि जो आपका एफ एक्स है वो क्या होगा है ना, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी है ना वो हमेशा या एक से बराबर होगा या एक से क्या होगा बड़ा होगा ठीक है, और इस तरीके से यह होगा। तो यहाँ से वन भी लोअर बाउंड है, वन भी लोअर बाउंड है, और इसके आगे और भी कोई नंबर लिखूंगा वो सब भी क्या होंगे लोअर बाउंड के रूप में, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी है, कोई एक भी होल्ड करेगा तब भी चलेगा। अगर मैं यहाँ मान लीजिए जीरो है, मैं जीरो भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लोअर बाउंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि भाई एक इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, लेस देन की इनइक्वालिटी जो है आपकी होल्ड कर रही है वो, इस तरीके से जब वन पे लेस है तो जीरो पे तो लेस तो होवे करेगा। तो ये आपका लोअर बाउंड है, क्या है, एफ वन प्लस एफ टू का लोअर बाउंड। लेकिन आपने यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है कि एफ वन प्लस एफ टू का जो एम आर है यह आपका इन्फीमम है, ये क्या है, इन्फीमम, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे है ना। यहाँ पे आपने माना हुआ है कि स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर विद द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, तो इन्फीमम मतलब कि स्मॉल एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू एंड कैपिटल एम आर इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू। तो स्मॉल एम आर इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये आपने बोला क्या है कि ये इसका लोअर बाउंड है, एफ वन प्लस एफ टू का आपने बोला ये लोअर बाउंड है, लेकिन यहाँ से जो माना है आपने माना है कि स्मॉल एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब कि ये भी लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड ये भी है, इन्फीमम भी लोअर बाउंड होता है बट वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये भी लोअर बाउंड लेकिन सबसे बड़ा आपका स्मॉल एम आर है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस स्मॉल एम आर इज द इन्फीमम, इन्फीमम का मतलब बेटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ किसका, एफ वन प्लस एफ टू का, देन जब ऐसा है तो कन्फर्म है कि भाई एम वन आर प्लस एम टू आर की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल एम आर से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल एम आर क्या है आपका, स्मॉल एम आर क्या है, अब एडजस्ट कीजिए उसी पे, अब तो नीचे नहीं बैठाएंगे आप लोग, एडजस्ट करो, चलो चलो चार चार हो जाओ आप लोग,
चार चार हो जाओ भैया जल्दी से, ठीक है। क्या लिखा आपने? बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, क्लियर है। तो क्लोज इंटरवल ए बी क्या है? कोई पार्टीशन है, हो गया भैया। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, लेट कीजिए लेट, ठीक है। क्या लिखा आपने? एफ वन एफ टू दो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल ए बी। लेट पी इक्वल टू क्या है आपका? ए इक्वल टू एक्स नॉट कमा एक्स वन कमा एक्स टू डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन कमा एक्स एन इक्वल टू बी। कोई पार्टीशन है किसका? क्लोज इंटरवल ए बी का। तो जब आप पार्टीशन ऐसे कर देंगे तो कई बन जाएंगे सेगमेंट, कई सेगमेंट बन जाएंगे। तो लिखेंगे इसमें लेट आई आर इक्वल टू, लेट आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर, है ना, क्लोज इंटरवल में। लेट आई आर इक्वल टू क्या लिख देंगे आप? एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर बी द एनी आर्यथ, बी द एनी आर्यथ सब इंटरवल, बी द एनी आर्यथ सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। आर्यथ आर ऊपर टी एच, आर्यथ सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये कोई आपका आर्यथ सब इंटरवल है। अब इसी में जो है हम मानेंगे, लेट कीजिए लेट, लेट स्मॉल एम वन आर कमा कैपिटल एम वन आर, लेट स्मॉल एम वन आर कमा कैपिटल एम वन आर, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे आप स्मॉल एम वन आर कमा कैपिटल एम वन आर, फिर सेमी कॉलन ऐसे दे दीजिए, फिर लिखिए स्मॉल एम टू आर, स्मॉल एम टू आर कामा कैपिटल एम टू आर, स्मॉल एम टू आर कामा कैपिटल एम टू आर, ठीक है। एंड एंड स्मॉल एम आर, देखो जहाँ से लिखो आपको उस दिन समझाया था वही थे, वही क्वेश्चन है, हाँ वही ले, क्या है? एंड स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर, ठीक है। बी द इनफीमम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बी द इनफीमम, बी द इनफीमम ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बी द इनफीमम ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड सुप्रीमम, एंड सुप्रीमम, सुप्रीमम ब्रैकेट में लिस्ट अपर बाउंड, एंड सुप्रीमम ब्रैकेट में लिस्ट अपर बाउंड ऑफ, तो पहला वाला किसका इन्फीमम सुप्रीमम था? ऑफ एफ वन कामा एफ टू, दूसरा वाला एफ टू एंड एफ वन प्लस एफ टू रेस्पेक्टिवली, एंड एफ वन प्लस एफ टू रेस्पेक्टिवली, एफ वन प्लस एफ टू रेस्पेक्टिवली, हो गया। देयरफोर, देयरफोर तो आप लिखेंगे ये लाइन कि एम वन आर लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स, नहीं पहले ये लिखिएगा, ये लिखिएगा देयरफोर, ये लाइन लिख दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना के। देयरफोर एम वन आर लेस देन आर इक्वल, एम वन आर लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स प्लस का, ठीक है, कैपिटल एम वन आर, एंड एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम टू आर, ठीक है। एम वन आर लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम वन आर, एंड एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स लेस देन आर इक्वल कैपिटल एम टू, तो कन्फर्म है। क्योंकि जब वो इन्फीमम सुप्रीमम है, जब आपने मान लिया कि एम वन आर और एम टू, एम वन आर स्मॉल में और कैपिटल वाला इन्फीमम सुप्रीमम है एफ वन का, तो कन्फर्म है कि एफ वन की जो वैल्यू होगी उसी के बीच में लाई करेगी, या बहुत छोटी होगी तो उस स्मॉल एम वन आर के बराबर होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एम वन आर के बराबर होगी, शेष वैल्यू उसी के बीच में लाई करेगी। इस तरह से अगर एम टू आर और कैपिटल एम टू आर इस एफ टू एक्स का इन्फीमम सुप्रीमम है, तो एफ टू एक्स की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो स्मॉल एम टू आर के बराबर होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम टू आर के बराबर होगी, किस इंटरवल में? आई आर वाले इंटरवल में, सब इंटरवल में, और शेष वैल्यू क्या होगी? इसी के बीच में क्या करेगी? लाई करेगी, है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन जब फर्स्ट सेकेंड की बात करेंगे तो आप ये लिख देंगे क्या? एम वन आर लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स एंड एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स, क्लियर है। यहीं से उठा के, यहीं से उठा के भाई, एम वन आर लेस देन आर इक्वल कैपिटल एफ वन एक्स, स्मॉल एफ वन, स्मॉल एफ वन एक्स, और एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स, इसको लिख दिया दोनों, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी मैं जो है इन्फीमम वाला ले रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में हमको खाली लोअर सम प्रूफ करना है ना। तो
तो आप लिखेंगे स्मॉल एम वन आर लेस देन आर इक्वल एफ वन एक्स, यहाँ लिख दिया, फिर स्मॉल एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ टू एक्स हो गया, देन फिर दोनों को जोड़ दीजिए, देन एम वन आर प्लस एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ वन प्लस एफ टू एक्स, देन एम वन आर प्लस एम टू आर, एम वन आर प्लस एम टू आर लेस देन आर इक्वल एफ वन प्लस एफ टू एक्स, एफ वन प्लस एफ टू एक्स, ठीक है ना, एफ वन प्लस एफ टू भी ऐसे ब्रैकेट में कर लेंगे आप लोग, ठीक है, एफ वन प्लस एफ टू एक्स, क्लियर है। इसका मतलब कुछ नहीं, इसको तो मैंने जोड़ा हुआ है, बट इसको भी आप जोड़े तो जोड़ने मतलब क्या है, एक्स कॉमन नहीं हुआ है, समझना चाहता है आप लोगों को, एक्स कॉमन नहीं हुआ है, बस उसका मतलब इतने खास समझेंगे कि यहाँ फंक्शन एफ वन है एफ टू है, दोनों एक्स का फंक्शन है, तो एफ वन प्लस एफ टू भी किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा, बस इतना ही बात है, है ना, दिमाग में ना आया कि एक्स कॉमन कर लिए सर, ये हो गया। यहाँ पे देखिए दिस शोज डैट, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज डैट, this shows that ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, लिखिए m1r वन आर प्लस एम टू आर इज द लोअर बाउंड ऑफ, एम वन आर प्लस एम टू आर इज द लोअर बाउंड ऑफ, इज द लोअर बाउंड ऑफ किसका, एफ वन प्लस एफ टू, एम वन आर प्लस एम टू आर इज द लोअर बाउंड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, बट स्मॉल एम आर इज द, बट स्मॉल एम आर इज द इनफीमम, इनफीमम ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बट स्मॉल एम आर इज द इनफीमम ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि मेन हमका जो मतलब मेरा मेन वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से ही है, स्मॉल एम आर इज द इनफीमम ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, तो एफ वन प्लस एफ टू का जो लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट है वो स्मॉल एम आर है, और एम वन आर प्लस एम टू आर भी लोअर बाउंड है, स्मॉल एम आर भी लोअर बाउंड है, बट स्मॉल एम आर इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल एम आर की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल एम वन आर प्लस स्मॉल एम टू आर से या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, उससे छोटी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, दूसरा वाला बहुत करेगा या तो उससे बहुत हिम्मत करेगा उससे बराबर हो सकता है, या तो हमेशा उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये कन्फर्म हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, स्मॉल एम आर आपने माना हुआ है ना, तो देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर एम वन आर प्लस एम टू आर इज लेस देन आर इक्वल स्मॉल एम आर, स्मॉल एम वन आर, देयरफॉर स्मॉल एम वन आर प्लस स्मॉल एम टू आर लेस देन आर इक्वल स्मॉल एम आर, ये ना होगा भैया स्मॉल एम आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, तो आप ये लाइन लिखिएगा, ये मल्टीप्लाई, ये आपका समेशन, और फिर आप इसको लिख देंगे, ठीक है, आप पहले सब में क्या कर देंगे, कहे जी कैसे तुम तब ब्रैकेट बना ले रहे हो, बस जैसे ही लिखे एम वन आर प्लस एम टू आर लेस देन आर इक्वल स्मॉल एम आर, आप तुरंत डेल्टा आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सब में, फिर सब पे क्या लगा देंगे, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, और जैसे ये लिख डालेंगे आप, है ना, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लोअर सम बन जाएगा, लोअर सम बन जाएगा, बस देखिए कौन किसका इनफीमम है, उसी के करेस्पॉन्डिंग उसी फंक्शन का लोअर सम बन जाएगा आपका, ठीक है, एल पी वाला हो गया ना, यहाँ पे यहाँ तक लिख देना है आपको, यहाँ जो बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे, क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी को ना भाई, हाँ जो जिसका एम वन आर आपका इनफीमम है एफ वन का, तो इसलिए एफ वन लिखा हूँ, स्मॉल एम टू आर इनफीमम है एफ टू का, इसलिए एफ टू लिखा हूँ, और स्मॉल एम आर जो है इनफीमम है एफ वन प्लस एफ टू का, इसलिए यहाँ पे एफ वन प्लस एफ टू लिखा हूँ, ठीक है, और चूंकि सब क्या है, सब में इनफीमम है, तो सबके सब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर सम ही रिप्रेजेंट करेंगे, और पार्टीशन एक का हुआ है पी, तो सब सबके सब जो लोअर सम होंगे वो करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अब जैसे आपने लिखा कि एफ वन एक्स और एफ टू एक्स अपने इनफीमम से या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे, उसी प्रकार से एफ वन प्लस एफ टू एक्स अपने सुप्रीमम से या तो छोटे होंगे या तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फिर से अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड पे आप कंसंट्रेट करें तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे आप, आप लिखेंगे
F1x less than or equal capital M1R and F2x less than or equal capital M2R. Again, from equation first and second, F1x less than or equal capital M1R, यहीं से भाई देखिए, F1x less than or equal capital M1R and F2x less than or equal capital M2R. ठीक है, अब मैं जो है सुप्रीम पे लेके जा रहा हूँ. अब फिर वही दोनों को ऐड करेंगे आप, तो F1 plus F2 हो जाएगा, ये भी x का फंक्शन होगा, less than or equal M1R plus M2R. ठीक है, F1 plus F2, ये भी x का फंक्शन होगा, less than or equal क्या होगा, M1R plus M2R. ठीक है, इस तरीके से M1R plus M2R. क्लियर है सबको? अच्छा, अब जब ये हो गया तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ तक कर लिए ना. देखिए 10 इसका मतलब क्या है कि यह इसका क्या है, अपर बाउंड, क्योंकि बड़ी वैल्यू है ना. 10 कैपिटल M1R प्लस कैपिटल M2R, ठीक है, 10 कैपिटल M1R प्लस कैपिटल M2R, कैपिटल M1R प्लस कैपिटल M2R बी द अपर बाउंड ऑफ F1 प्लस F2. लेकिन F1 प्लस F2 का हमारे पास कौन सा बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि आपने कैपिटल एम आर माना है, क्या है, सुप्रीमम, मतलब लिस्ट अपर बाउंड. अपर बाउंड ये भी M1R प्लस M2R, अपर बाउंड ये भी है, अपर बाउंड इस कैपिटल एम आर भी है, लेकिन कैपिटल एम आर क्या है, सबसे छोटा वाला. इसका मतलब कि उस कैपिटल एम आर के अलावा और भी अगर कोई अपर बाउंड रहा तो उस कैपिटल एम आर से या तो बड़ा होगा या बड़ा हिम्मत करेगा तो बराबर होगा, है ना, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा उसको अपने बोल दिया लिस्ट अपर बाउंड. क्लियर है? देखिए सिंस कैपिटल एम आर इज द कौन सा है ना, सुप्रीमम. कैपिटल एम आर इज द सुप्रीमम ब्रैकेट कर लेंगे लिस्ट अपर बाउंड. कैपिटल एम आर इज द सुप्रीमम ब्रैकेट में लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F1 प्लस F2. देयरफोर जब ऐसा है, सबसे छोटा वो है, तो देयरफोर क्या रिलेशन होगा, देयरफोर कैपिटल एम आर इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल M1R प्लस का कैपिटल M2R. देयरफोर कैपिटल एम आर इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल M1R प्लस कैपिटल M2R. क्लियर है? हर जगह बॉक्स है बना रहे भैया. कैपिटल एम आर इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल M1R प्लस का कैपिटल M2R. सेम क्या करेंगे आप, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई. तो करिए कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल कैपिटल M1R डेल्टा आर प्लस कैपिटल M2R डेल्टा आर. समेशन लगा दीजिए, समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल M1R डेल्टा आर और प्लस का समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल M2R डेल्टा आर. तो ये जो चूंकि जो लिखा है कैपिटल एम आर, कैपिटल M1R, कैपिटल M2R, सबका सब सुप्रीमम में लिखा है. तो जब सुप्रीमम लिखा रहेगा ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो अपर सम रिप्रेजेंट करता है, है ना. अब जिस फंक्शन का सुप्रीमम होगा उसी का जो है अपर सम लिखा जाएगा. तो कैपिटल एम आर किसका है, कैपिटल एम आर जो है सुप्रीमम है F1 प्लस F2 का, इसलिए होगा यह होगा आपका अपर सम ऑफ द फंक्शन F1 प्लस F2 करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P लेस देन आर इक्वल. अब कैपिटल M1R किसका है सुप्रीमम, आपका F1 का है. तो ये अपर सम ऑफ द फंक्शन F1 करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P और ये भी अपर सम ऑफ द फंक्शन F2 करेस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P. तो ये आपका दूसरा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया सेम मैनर में. क्लियर है भैया? तो इस तरीके से ये हो गया आपके थ्योरम, आपका ये प्रूफ हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से बहुत डिटेलिंग लेके जाऊंगा, बहुत कुछ ज़्यादा थ्योरम बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बताऊंगा आपको. अब देखिए ये हो गया, अब हम अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं. अगला थ्योरम कुछ ऐसा रहेगा कि अगर मान लीजिए क्लोज इंटरवल AB का हम दो पार्टीशन कर दें, क्या कर दें, दो पार्टीशन कर दें, और मान लीजिए उस पार्टीशन का मैंने नाम दे दिया P1 P2, ठीक है, P1 P2 नाम दे दिया, और जो मैंने P1 P2 पार्टीशन किया है कुछ इस तरह से कर दूं कि P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1, ठीक है. अगर क्लोज इंटरवल AB का दो पार्टीशन किया जाए P1 और P2 नाम से, और सच डैट P2 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P1. रिफाइनमेंट में क्या होता है, अगर P2 P1 का रिफाइन है, P1 इज कंटेन इन P2, है ना. इसका मतलब समझ लीजिए P2 हैज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट,
भाई देखिए जो कंटेंट इसे पी वन पी टू के अंदर कंटेंट है ना, तो पी टू के पास पी वन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। यहाँ कंटेंट मतलब यही होता है, मैंने बताया था आपको, जैसे आप क्लोज इंटरवल 0.1 का एक पार्टीशन कर दिया आपने 0, 1/2 और 1 कर दिया, और दूसरा पार्टीशन कर दिया 0, 1/3, 2/3, 1 कर दिया, है ना। इसके पास कितने 4 पॉइंट, उसके पास कितने 3 पॉइंट, इसके पास एक्स्ट्रा पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि कहने मतलब यह समझ लीजिए कि अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, अगर पी वन पी टू दो पार्टीशन है और पी टू के पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप क्या कहेंगे, आप जो है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या मालूम है, जैसे मान लीजिए क्लोज इंटरवल 0.1 है, एक पार्टीशन आपने ऐसे कर दिया, ये भी सही है 0, 1/3 और 1, ये भी पार्टीशन है। मैं हाफ ही लूँ तभी सही नहीं होगा, मैं 0, 1/3, 1 लूँगा तब भी सही होगा, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए पार्टीशन जो करेंगे आप पॉइंट्स बस लेंगे, क्या लेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था कि नहीं आप एकदम इक्वल पे लीजिए, इक्वल अनइक्वल आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, बांटने का मतलब थोड़ी होता है कि बराबर बटे तब बंटवारा कहलाएगा, है ना, ज़्यादा कम भी मिलता है लोगों को बंटवारे में, तो हाँ है हाँ जो भी चीज़ें हों। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे, तो ये भी पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है। अब मैं पी टू में क्या कर दिया, पी वन हो गया, पी टू हो गया, अब मैंने दूसरा पार्टीशन लिया 0, 1/3, 2/3, 1, ये भी हो गया। देखो अब यहाँ पे एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना, ये भी मैंने पार्टीशन किया, ये भी पार्टीशन है। बट देखो अगर यहाँ पे देखना है, अगर आपको एकदम एग्जैक्ट देखना है, तो ऐसे देख सकते हैं कि इसके तीनों पॉइंट्स, इसके तीनों पॉइंट इसके अंदर हैं, और इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट 2/3 भी है, है ना। तो ऐसे केस हम क्या बोलते हैं, पी टू इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, पी टू इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, क्लियर है। तो पी टू क्या होगा, पी वन का रिफाइनमेंट होगा, है ना। 1/2 लिखने से अच्छा 1/3 लिखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन। तो आपका थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी क्लोज इंटरवल एबी का दो पार्टीशन कर दें पी वन पी टू, और पी टू क्या हो, पी वन का रिफाइनमेंट हो, देन आपको प्रूफ करना है कि एल पी वन एफ है ना ग्रेटर देन आर इक्वल यू पी वन एफ, या ऐसे ऐसे एक मिनट, यू पी वन एफ नहीं, पी वन पी टू है ना आपका, पी वन पी टू है, और पी वन इज कंटेंड इन पी टू होगा, क्योंकि अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट हुआ तब, ठीक है ना, अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट हुआ देन पी वन इज कंटेंड इन पी टू। तो आपको यह प्रूफ करना है कि जो है इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका लोअर सम होगा, ठीक है, वह जो इसके करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा इससे ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो अपर सम होगा पी वन कामा एफ ये लेस देन आर इक्वल होगा यू पी टू कामा एफ। मतलब समझिए, मतलब यह होता है, आप समझ सकते हैं, देखो पी टू का करेस्पॉन्डिंग लोअर सम पी वन करेस्पॉन्डिंग लोअर सम से कम है, और अपर सम की बात क्या है, तो क्या है आपका, वो ज़्यादा है, ज़्यादा है। अरे 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 नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। वो तो मैं प्रूफ करते समय जब प्रूफ करूँगा तो और भी एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, बट यही होगा शायद, यही होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब कि क्या है, पी वन अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट है, हाँ ठीक है बराबर, अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट है तो पी टू के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा वो पी वन के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा उससे क्या होगा, तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा, है ना। और उसी तरह से अपर सम में देखेंगे तो अपर सम में क्या होता है, अपर सम जो होगा पी टू के करेस्पॉन्डिंग जो अपर सम होगा वो पी वन करेस्पॉन्डिंग जो अपर सम होगा उससे क्या होगा, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आपने कहा कि पी वन और पी टू दो पार्टीशन है, और पी टू और पी वन का रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट जब लेंगे तो रिफाइनमेंट के करेस्पॉन्डिंग, मतलब समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, भाई देखो इसमें क्या है, खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, मतलब अगर पार्टीशन आपने किया हुआ है, पार्टीशन किया हुआ है, अगर पार्टीशन में कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दूँ, पार्टीशन में क्या कर दूँ, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दूँ, तो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है, इससे खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट होने से क्या हो गया, आपका रिफाइनमेंट हो गया। तो अगर मैं कोई पार्टीशन आपने किया है, कोई पार्टीशन किया है, उस पार्टीशन में आपने लोअर सम भी निकाला है, अपर सम भी निकाला है, क्योंकि इसका मेन मतलब समझिए, कोई पार्टीशन किया है आप किसी क्लोज इंटरवल ए बी का, और आपने निकाल लिया लोअर सम भी निकाल लिया, अपर सम भी निकाल लिया है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसी पार्टीशन में जो आपने किया है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने से मिला दिया, इंक्लूड कर दिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट। मैंने क्या किया, अब कि जो आपने पार्टीशन किया हुआ है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मिला दिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट। जब एक एक्स्ट्रा पॉइंट में मिला दूंगा तो लोअर सम जो होगा वो बढ़ जाएगा, और अपर सम जो होगा वो घट जाएगा, ये कहने का मतलब है थ्योरम में। अगर आपने किसी क्लोज इंटरवल एबी का पार्टीशन किया है, तो पार्टीशन करेंगे
तो आप लोअर सम निकालेंगे अपर सम निकालेंगे, क्योंकि पार्टीशन करेंगे तमाम सेगमेंट बनेंगे, सबके इन्फिमम सुप्रीम होंगे फंक्शन के, है ना, उस इंटरवल में, और फिर आप वही निकालेंगे एम वन डेल्टा वन एम टू डेल्टा टू करके आप लोअर सम अपर सम निकालेंगे। तो लोअर सम अपर सम जो भी आएगा आप क्या करिए, आप कि जो पार्टीशन किया है उसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला दीजिए आप, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट आप मिला दीजिए, एक मिला दीजिए, दो मिला दीजिए, तीन मिला दीजिए, दस मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मिलाए, एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपने मिलाया, तो अब जब लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करेंगे तो लोअर सम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और अपर सम घटा हुआ मिलेगा। तो वही चीज़ में बता रहा है, पी टू के पास एक्स्ट्रा पॉइंट है पी वन से, है ना, तो देखो लोअर सम पी टू का ज़्यादा है पी वन से, और उसी प्रकार से जो है पी टू के पास एक्स्ट्रा पॉइंट है पी वन से, लेकिन अपर सम क्या है, अपर सम पी टू वाले का पी वन से कम है। तो यही चीज़ है कि एक्स्ट्रा पॉइंट मिलाने से, पार्टीशन जो किया है उसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट आप मिला देंगे तो लोअर सम बढ़ जाता है, अपर सम घट जाता है, ये ध्यान देना है आपको, क्लियर है। तो ये थ्योरम है आपका, यही आपको प्रूफ करना है। आप तो लिखिए इसमें, लेट स्मॉल थ्योरम है लिख लीजिए, ऐसे लिखिए एफ बी अ रियल वैल्यूड, कोई दिक्कत नहीं है, एफ बी अ रियल वैल्यूड, स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, स्मॉल एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हो गया। देखिए P1, P2 विद अ टू पार्टीशन, P1, P2 विद अ टू पार्टीशन, टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, दो पार्टीशन है, सच डैट, लेकिन जो पार्टीशन मैंने किया किस तरह से किया, सच डैट पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, सच डैट पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, ठीक है, लिखिए पूरा, सच डैट पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, पी टू इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी वन, ठीक है, पी टू क्या हो, पी वन का रिफाइनमेंट हो, देन आपको यह प्रूफ करना है कि अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट होगा, अगर पी टू पी वन का रिफाइनमेंट होगा, देन नंबर फर्स्ट है ना, एल पी वन कामा एफ क्या होगा, लेस देन आर इक्वल एल पी टू कामा एफ, मतलब पी टू के करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा वो पी वन के करेस्पॉन्डिंग लोअर सम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, या तो बराबर होगा, उससे कम नहीं होगा। सेकेंड आपको प्रूफ करना है यू पी वन कामा एफ, है ना, यह हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल यू पी टू कामा एफ, मतलब कि रिफाइनमेंट लेने पर या एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर क्या होगा, लोअर सम बढ़ जाएगा, अपर सम घट जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से। आइए अब इसको प्रूफ करेंगे, तो बहुत आसानी से प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रूफ में स्टार्ट कीजिए, लिखिए प्रूफ, लेट वही सेम लिखिए, एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल ए बी, एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। देखिए लेट पी वन एंड पी टू बी द टू पार्टीशन, पी वन एंड पी टू बी द टू पार्टीशन, बी द टू पार्टीशन ऑफ P1 and P2 be the two partition of close interval AB. P1 and P2 be the two partition of close interval AB such that P2 is the refinement of P1. P2 is the refinement of P1. ठीक है, ऐसा P2 क्या है, P1 का refinement है, P2 is the refinement of P1. Then let, अगर मैं मान लूँ P1 इक्वल टू देखो ध्यान से, अगर मैं P1 इक्वल टू क्या A=x0, x1, x2, x3, ……xr-1, xr……xn=b, ये मैंने पहला पार्टीशन ले लिया P1 इक्वल टू, ठीक है। तो P2 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ, इससे बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेता हूँ। देखिए अगर P2 P1 का रिफाइनमेंट है तो P2 के पास P1 से एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट तो होबे करेगा, अधिक संख्या जितना भी हो, बट एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट ज़्यादा होगा। तो
तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ ऐसे लिख देता हूँ a इक्वल टू x नॉट कमा x1 कमा x2 कमा x3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा अब जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो कहीं ना होगा ना, जैसे मैंने अभी पार्टीशन किया था ना, एक p1 किया था 0 1/3 1, फिर मैंने किया 0 1/3 2/3 1, तो 2/3 एक्स्ट्रा हो गया, तो किसके बीच में आया, 1/3 और 1 के बीच में, तो जो एक्स्ट्रा होगा किसी किसी बीच में ही वह करेगा। तो मैं किसके बीच में रख दे रहा हूँ, मैं रख दे रहा हूँ एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर के बीच में, और उस पॉइंट का नाम क्या दिया अल्फा, है ना, मतलब पी टू का पी वन का रिफाइनमेंट है, देन पी टू कंटेन्स एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट देन पी वन, तो पी टू क्या होगा, वो पी वन से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखेगा। हाँ हम मान लेते हैं कि डैट पॉइंट लाइज इन बिटवीन एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर, मैं मान लेता हूँ जो पॉइंट है ना उसका मैंने नाम दे दिया अल्फा, और उसको मैंने कहाँ रख दिया एक्स आर माइनस वन, कभी कहीं ना कहीं होबे करेगा, तो मैं इन जनरल रख रहा हूँ, इन जनरल एक्स आर माइनस वन का मैं एक्स आर के बीच में रख दिया और डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी, क्लियर है, ऐसे हो गया भैया पी वन पी टू की बात हो गई, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं निकालूंगा भाई हमको क्या प्रूफ करना है, इन्हें प्रूफ करना है कि इसके करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा है ना, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होगा वो ज़्यादा होगा इसके वाले से, और अपर सम जो इससे करेस्पॉन्डिंग होगा इसके वाले से कम होगा, तो हमको दोनों करेस्पॉन्डिंग लोअर सम अपर सम ही निकालना है ना। अब ध्यान दीजिए, अब लोअर सम जब अपर सम निकालते हो आप, तब क्या करते हो, जो सेगमेंट बनते हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स ऐसे बनेंगे, सबका इन्फिमम सुप्रीमम देखते हैं, सब में फंक्शन का इन्फिमम सुप्रीमम देखते हैं, और फिर उसका लेंथ देखते हैं, और फिर इन्फिमम एम वन डेल्टा वन एम टू डेल्टा टू ऐसा करके करते हैं तो एल पी एफ मिलता है, और वहीं कैपिटल एम वन डेल्टा वन करके करते हैं तो हमको यू पी एफ मिलता है, यही ना होता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जब इसका भी पार्टीशन जब आप करोगे, अब पार्टीशन तो कर दिए, जब इसका सेगमेंट बनाओगे अलग अलग, तो एक्स नॉट एक्स वन इसमें भी होगा, एक्स नॉट एक्स वन इसमें भी होगा, एक्स वन एक्स टू इसमें भी होगा, एक्स वन एक्स टू इसमें भी होगा, हुआ कि नहीं होगा, अभी मैं लोअर सम की बात करने जा रहा हूँ, तो फिर एक्स टू एक्स थ्री इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो जब ऐसी बात है तो भाई देखिए, तो इसका मतलब कि ये सब सेम आते जाएंगे, अंतर खाली इतने पे होगा, इसके इधर जो सम करेंगे, इसके इधर जो हर सेगमेंट का सम करेंगे, हर सेगमेंट की इन्फिमम में उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसमें भी आएगा, वो इसमें भी आएगा, वो इसके इधर भी आएगा उतना ही, इसके इधर भी उतना ही आएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा, ये खाली इतने से फर्क पड़ेगा, इतने से, क्योंकि यही अंतर आपका है, बात समझ में आ रही कि नहीं आई, इसके इधर सब सेम है, और इसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसे मान लीजिए 0 है और आपका 5 है और 10 है, क्लियर है, ठीक है, और फिर मैं दूसरा ले रहा हूँ 0 2 5 और 10, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, और बढ़ाता हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, 2 4 कर दिया, चलो 2 4 कर दिया, और 0 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या होगा, इसमें होगा 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 10, और इसमें होगा 0 से 2, 2 से 3 सेगमेंट जो बनेंगे, 3 से 4 और 4 से 10, यही ना। अब देखो 0 से 2 और 0 से 2 इसमें भी, इसमें भी हैं, तो जब इसके इन्फिमम भाई फंक्शन वही है, फंक्शन एक का है, तो फंक्शन जब एक ही है तो जो भी इन्फिमम इसमें मिलेगा वही इन्फिमम इसमें भी मिलेगा, तो भाई दोनों सेम इंटरवल है ना, तो सेम मिलेगा और लेंथ भी सेम आएगा, है ना, तो भाई जब दोनों में सेम तो पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको जोड़ने से कोई मतलब है नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे ए और बी में कौन बड़ा है ना, ये पता करना है आपको, तो मैं इधर भी अक्ष जोड़ दिया, इधर भी अक्ष जोड़ दिया, कुछ पता चलेगा इससे कौन बड़ा है ना, मतलब इसका कोई महत्व नहीं, जो चीज़ सेम है दोनों तो कोई महत्व नहीं है, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना, तो इसलिए जो है जो सेम है उसको हटा दे, कोई मतलब ही नहीं है, उससे पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, बस समझ में आ रही है। अब देखो और देखो और देखो यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ पे, इधर देखो इधर, 4 10 भी 4 10 भी खत्म हुआ, अब देखो खाली कितना, इसमें 2 4 और इसमें 2 3 और 3 4, अब 2 4 इसमें सॉल्व करेंगे, 2 4 के लिए इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें 2 3 और 3 4 के लिए सॉल्व करेंगे, अब जो ज़्यादा आएगा वही आपका उसी का लोअर सम ज़्यादा कल आएगा या अपर सम ज़्यादा कल आएगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप लोअर सम निकालें लोअर सम देखिएगा, अपर सम निकालें तो अपर सम, तो देखो खाली इतना मतलब है, देखो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे 2 4 2 4 और यहाँ देखो बीच में आ गया 3, तो 2 3 और 3 4, तो इसमें दो बनेंगे, दो सब इंटरवल, एक बनेगा एक्स आर माइनस वन कमा अल्फा, दूसरा बनेगा अल्फा कमा एक्स आर, और इसमें खाली क्या होगा एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर, ठीक है ना, तो एक्स आर माइनस वन कमा एक्स आर के करेस्पॉन्डिंग जो भी आपका लोअर सम आएगा, ठीक है, और इसमें दोनों के करेस्पॉन्डिंग जो भी लोअर सम आएगा
है ना, उसमें जो ज्यादा होगा उसके उससे बताएंगे आपके लोअर सम ज्यादा होगा, किसे करेस्पॉन्डिंग किसे करेस्पॉन्डिंग अपर सम ज्यादा होगा, तब क्लियरिटी आएगी। इसके पहले इसके बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, तो इसमें पी वन वाले में क्या मिल गया हमको इंटरवल एक्स आर माइनस वन का मा एक्स आर, और पी टू वाले में क्या हो गया एक्स आर माइनस वन का मा अल्फा और अल्फा का मा एक्स आर, ये चीज करना है, क्लियर है। अब आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। इसमें मैं मान लेता हूँ कि इन्फिमम जो फंक्शन का है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है। इसमें मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम वन आर और कैपिटल, ऐसे मैंने बोल के ऐसे बोली, स्मॉल एम वन आर ऐसे बोलूँगा तो आप सोचेंगे यही है स्मॉल एम वन आर, कैपिटल कैपिटल एम वन आर है, और इसमें आपका स्मॉल एम टू आर और कैपिटल एम टू आर है, ऐसा मैं मान लिया, ठीक है। इस इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम सुप्रीमम यह मान लिया, इस इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम सुप्रीमम यह मान लिया, इसमें यह मान लिया। अब अगर हमको देखना है कि किसके करेस्पॉन्डिंग लोअर सम ज़्यादा होगा क्या ज़्यादा होगा, तब क्या करेंगे, अब इसका निकाल लीजिए। जब इसका आप निकालेंगे लोअर सम इसके खाली करेस्पॉन्डिंग, तो क्या मिलेगा स्मॉल एम आर और डेल्टा आर, क्योंकि इसका इन्फ्यूम कौन है स्मॉल एम आर है, तो स्मॉल एम आर है, स्मॉल एम आर इसका लेंथ, ठीक है। और इसमें और इनके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो स्मॉल एम वन आर डेल्टा आर प्लस स्मॉल एम टू आर डेल्टा। अच्छा मुझे बताइए आप लोग कि कौन ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा होगा कि ए ज़्यादा होगा, अब ये कैसे मालूम चलेगा, मालूम है इसी एग्जाम्पल से पता कर लीजिए कैसे। देखो यहाँ पे, यहाँ टू फोर है, यहाँ टू थ्री थ्री फोर है, अगर मैं इसमें निकालने जाऊंगा लोअर सम, तो इसका इन्फिमम मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स हो, क्या हो एफ एक्स बराबर एक्स हो, तो इन्फिमम क्या होगा टू होगा, टू मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इसका टू, तो कितना आ गया फोर। अब यहाँ आ जाओ, इसमें इसका इन्फिमम टू होगा और लेंथ होगा वन, और इसका थ्री होगा इन्फिमम और लेंथ होगा वन, तो फाइव आ गया और ये कितना आया फोर। बात समझ में आ रही है, मतलब पॉइंट अगर बढ़ाएंगे, पॉइंट अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो लोअर सम बढ़ जाएगा, देख रहे हैं, है ना। देखो लोअर सम का बढ़ गया, अब इसमें देखो अभी एग्जांपल से समझ लो पूरा कहानी, बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या कर देंगे, आप इसको ऐसे कर देंगे समेशन लगा देंगे पहला वाला प्रूफ, इतना ही बस अपने दिमाग से। और यहाँ देखो अभी अपर सम का, अपर सम देखो यहाँ पे, अगर मैं अपर सम की बात करूँ तो फोर मल्टीप्लाइड बाई टू भाई फोर सुप्रीमम हो जाएगा एट, और यहाँ देखो यहाँ पे जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाई वन, ये सेवन है, हुआ कि नहीं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ने से अपर सम देखो घट गया, उसके पहले वाले अब बाद वाले तो सब सेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो अंतर है वो अंतर खाली इसमें है, तो इससे करेस्पॉन्डिंग अपर सम देखो आएगा कितना एट आ गया, और इसका अपर सम दोनों को मिला कितना हुआ सेवन हुआ, तो देख रहे हैं एक कम हो गया। मतलब एक दूसरा रिजल्ट आपको ये भी मिल जाएगा कि कैपिटल एम आर जो होगा बेटा, कैपिटल एम आर डेल्टा आर ग्रेटर देन इक्वल होगा, ये बड़ा होगा इसका, है ना, कैपिटल एम वन आर डेल्टा आर प्लस कैपिटल एम टू आर डेल्टा। बस अब कुछ नहीं करना है, दोनों में इसमें भी समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, इसमें भी समेशन आर इक्वल टू वन टू एन, जैसे करेंगे तो पहले वाले में लिखेंगे क्या, इसके लिए जब समेशन लगा देंगे तो लिखेंगे क्या कि भाई ये किसका है, ये किस फंक्शन का इन्फिमम है, किसका है ना, तो ये फंक्शन एफ का ही है, बट पार्टीशन तो ये जो है आपका पार्टीशन को यहाँ से ना ये पी वन वाले का है, तो हो जाएगा एल पी कामा एल पी वन कामा एफ, और ये जाएगा लेस देन आर इक्वल, और ये जो एम वन एम टू आर किसके में का है भाई, पी टू वाले का है, तो लिखेंगे एल पी टू कामा एफ, जैसे समय से लगाएंगे ये लिख देंगे तुरंत आप, और वैसे जब यहाँ समय से लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, और लिखेंगे यू पी वन कामा एफ ग्रेटर देन आर इक्वल यू पूरा मिला के यू पी टू कामा एफ। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे कीजिएगा अपने से, नहीं तो मैं कल लिखवा दूंगा आप लोगों को।